हेलो, गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग योर वर्क रेगुलरली एंड प्रॉपरली। बेटा, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हम चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स कर रहे हैं, जिसकी हम चार एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 10.5 से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स और कुछ रिजल्ट्स के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर हमारी एक्सरसाइज हम कंटिन्यू करेंगे। तो रिजल्ट की बात करेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, इसको ध्यान भी रखना है आपको और समझना भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिजल्ट है हमारे, फर्स्ट रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो इट इज सेइंग दैट क्या रिजल्ट रहेगा हमारा, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल देन, अगर सर्कल की टू कोर्ड्स इक्वल है, देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क्स आर ऑल्सो इक्वल, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो आर्क्स होंगी वो भी इक्वल होंगी। और इसी का कन्वर्स भी हम पढ़ लेते हैं बेटा। कन्वर्सली क्या है कि इफ टू कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क्स आर इक्वल, इफ टू कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क्स आर इक्वल देन देयर कॉर्ड्स आर ऑल्सो इक्वल, तो उनकी जो कॉर्ड्स होंगी बेटा वो भी क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। इस बात को समझते हैं किस तरह से। मान लीजिए ये आपके पास सर्कल है और ये हो गया सर्कल का सेंटर, ये हमने एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी ए बी, और ऐसे ही क्या किया कि एक और कॉर्ड ड्रॉ कर ली मैंने यहाँ पे, इसका नेम मैंने रख दिया सी बी, और आर्क को मैंने इस दूसरे कलर से इस तरह से हाईलाइट कर दिया कि ये हमारी आर्क है और ये जो सी डी ब्लैक कलर से आपको नज़र आ रही है ये है कॉर्ड। ठीक है, तो रिजल्ट क्या कहता है, जो हमारा फर्स्ट रिजल्ट था, इट मींस इफ कॉर्ड्स आर इक्वल, इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, अगर ए बी कॉर्ड सी डी के इक्वल हो जाएगी तो ए बी आर्क, आर्क को ऐसे लिखते हैं बेटा, दिस इज द सिंबल फॉर आर्क, आर्क ए बी इज इक्वल टू सी डी आर्क। और क्या रिजल्ट है कि अगर ए बी आर्क इज इक्वल टू सी डी आर्क, यानी अगर आपको आर्क इक्वल दे रखी है तो ये जो कॉर्ड्स हैं ये भी इक्वल होंगी, यानी कि ये जो ए बी और सी डी जो कॉर्ड्स हैं हमारी वो कैसी रहेंगी, वो इक्वल हो जाएंगी, इक्वल रहेंगी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक हमारी थ्योरम है, थ्योरम 10.8 इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। इस थ्योरम को आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि ये काफ़ी क्वेश्चंस में यूज़ हो रही है। देखिए बेटा क्या थ्योरम है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, बाय एन आर्क एट द सेंटर, एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। फिगर की हेल्प से इसको समझते हैं बेटा किस तरह से दिया हुआ है। मान लीजिए ये आपके पास एक सर्कल है विथ सेंटर एट पॉइंट ओ, कहता एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। हमने कहा कि मेरे पास ये पी क्यू आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट द सेंटर
इस आर्क ने ये एंगल बनाया है सेंटर पे, और इसी आर्क ने ये एंगल बना दिया है सर्कल के ऊपर इस तरह से। तो क्या प्रूफ करना है? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। सेंटर पे जो एंगल होगा वो क्या होगा? डबल होगा। किस एंगल से? जो कि इन्होंने कहाँ बनाया है? सेंटर पे बनाया। सेंटर वाला हमेशा क्या आएगा? डबल आएगा। तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे? दैट एंगल, यानी कि क्या रिजल्ट हो गया? दैट एंगल पी ओ क्यू, ओ पॉइंट है ये आपका सेंटर है, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया? ट्वाइस द एंगल पी ए क्यू, यानी सेंटर वाला एंगल हमेशा डबल आएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है जितना रिमेनिंग पार्ट पे एंगल होगा उसका। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, सो कीप इन माइंड द रिजल्ट ऑलवेज। और इसको देखते हैं, अब आगे करते हैं हम। आगे हम बात करेंगे बेटा, हमारे पास और थ्योरम भी है, दैट इज थ्योरम 10.9। क्या थ्योरम है? कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। किसी सर्कल की सेम सेगमेंट में अगर एंगल बने हुए हैं तो वो इक्वल होंगे। इसको किस तरह से समझेंगे बेटा? देखिए, ये आपके पास सर्कल हो गया, ये सेंटर, और ये मैंने कहा पी क्यू एक आर्क। अब इस पी क्यू आर्क ने एक एंगल तो बनाया है ये, और दूसरा एंगल इस पी क्यू आर्क ने मान लीजिए ये बना दिया इस तरह से। देखो ये एंगल भी पी क्यू आर्क से बना हुआ है, एंगल वन, और ये भी एंगल टू भी पी क्यू आर्क से बना हुआ है। तो आपको क्या कहा गया रिजल्ट में? एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल पी ए क्यू है वो किसके इक्वल होगा? एंगल पी बी क्यू के, पी बी क्यू के। ये दोनों एंगल्स हमेशा आपस में इक्वल रहेंगे क्योंकि ये सेम ही सेगमेंट में बने हुए हैं। आप चाहे तो बेटा एक और बना सकते हैं। देखिए मैंने और बना लिया, ये एंगल थ्री। तो ये जो एंगल थ्री आया आपका, या इसको बोल दीजिए एंगल पी सी क्यू, ये सेम होंगे। जितने भी एंगल्स आप इसमें बनाना चाहें बना सकते हैं। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे क्या रिजल्ट है आपके पास? आगे हम पढ़ेंगे बेटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। व्हाट आर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स? देखिए क्या डेफिनेशन है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। पहले मैं डेफिनेशन ही लिख रही हूँ। अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज सेड टू बी साइक्लिक इफ, कब होगी साइक्लिक? इफ ऑल द फोर वर्टिसेस ऑफ इट लाई ऑन अ सर्कल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझते हैं। मान लीजिए हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है, ये हमारा सेंटर हो गया ओ। अब मैंने इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बनाई, नेमिंग कर दी इसकी ए बी सी डी। तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कहेंगे दिस ए बी सी डी इज साइक्लिक एज द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी लाई ऑन द सर्कल विथ सेंटर ओ।
तो ये हमारी क्या हो जाएगी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगी। चलिए इसी से रिलेटेड हम रिजल्ट्स पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। देखिए बेटा किस टाइप के रिजल्ट्स हैं हमारे। रिजल्ट्स की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आएगा, इफ द सम ऑफ वन पेयर ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 180, इफ द सम ऑफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180, देन इट इज साइक्लिक। अगर ओपोजिट पेयर्स का कि एंगल्स का सम क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा, तो वी विल से इट इज साइक्लिक। और साथ साथ द सेकेंड वन इज इफ, कह सकते हैं ए बी सी डी इज साइक्लिक, देन अगर साइक्लिक है तो ओपोजिट पेयर्स का सम यानी एंगल ए प्लस एंगल सी भी 180 होगा, और एंगल बी प्लस एंगल डी भी 180 होगा। दोनों ही रिजल्ट्स ट्रू हो गए बेटा, यानी कि जैसे ये ए बी सी डी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इन ओपोजिट पेयर्स का सम 180 होगा, यानी ए प्लस सी 180 होगा, बी प्लस डी भी 180 होगा। और अगर ये 180 है तो हम कहेंगे कि ये साइक्लिक है। दोनों ही तरह से हमें इस रिजल्ट को पढ़ना है। और इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, क्या रिजल्ट है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, इज राइट एंगल। कोई भी सेमी सर्कल में अगर एंगल बनेगा हमारा तो वो क्या होगा, वो हमारा हमेशा ही कैसा रहेगा, राइट एंगल रहेगा। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज अ राइट एंगल। तो इस तरह के हमने काफ़ी सारे रिजल्ट्स पढ़े हैं और इन रिजल्ट्स को ही ध्यान में रखेंगे और रिजल्ट्स के ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है हमारी 10.5, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। रिजल्ट्स की हेल्प से ही हम इसको शुरू करेंगे और स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए इस एक्सरसाइज का क्या है। आपको एक सर्कल दिया गया है, फिगर ही इम्पॉर्टेंट होती है बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो फिगर को अगर आप समझ लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे। सर्कल इज विद सेंटर एट पॉइंट ओ, और इस तरह से यहाँ आपका एक ए पॉइंट है, यहाँ सी पॉइंट है, इनको मिला लीजिए। ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और इस ए सी सेगमेंट ने ही एक एंगल नीचे भी बनाया है इस तरह से। फिर हमारे पास एक बी पॉइंट है बीच में, और बी पॉइंट से भी हमने इसको मीट कर रखा है ओ बी को। और क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। ये एंगल 60 डिग्री गिवन है, ये एंगल आपको 30 डिग्री गिवन है, एंड बट यू हैव टू फाइंड एंगल ए डी सी। आपको ये एंगल ए डी सी फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए आपको इस रिजल्ट्स को ही ध्यान से देखना पड़ेगा कि आप किस तरह से एंगल ए डी सी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए बेटा सिंपल सा रिजल्ट है, ये सेंटर पे एंगल बना हुआ है और ये रिमेनिंग पार्ट पे बना हुआ है, तो आपको रिजल्ट ही लिखना है। क्या लिखेंगे, हमने लिखा है वी नो दैट एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड ऑन द सर्कल। सेंटर पे जो बनेगा वो एंगल डबल होगा सर्कल से, यानी व्हाट डू यू से, यू कैन से कि जो एंगल ए ओ सी है वो क्या आएगा,
ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी सी. तो एंगल ए ओ सी बेटा आप लोगों के पास गिवन है. एंगल ए ओ सी इज 90 डिग्री, इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी सी. और आप क्या कह सकते हैं कि जो एंगल ए डी सी आ गया है बेटा वो 45 डिग्री आ गया है. यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था. कैसे प्रूव किया हमने? अपने रिजल्ट की हेल्प ली उसको प्रूव करने के लिए. अगर आपको रिजल्ट आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत ही आराम से उस क्वेश्चन को कर पाए. देखते हैं मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू भी देखेंगे बेटा, इसकी फिगर को समझेंगे. फिगर क्या है? फिगर आपको पास देखिए, फिर वही यू आर गिवन अ सर्कल विद सेंटर एट पॉइंट ओ और एक आपको कॉर्ड दे रखी है ए बी. दिस ए बी इज द कॉर्ड और ए बी कॉर्ड ए ओ बी भी एंगल बना रही है. ये ओ पॉइंट है. ए बी कॉर्ड से ही एंगल सर्कल पे भी बना हुआ है. ये बी पॉइंट है यहाँ पे और ए बी कॉर्ड ने ही नीचे भी सर्कल बनाया है. सॉरी, इस तरह से एंगल बनाया है. ये है एंगल क्यू. चलिए अब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है. ये एंगल आपका 60 डिग्री है. क्वेश्चन में कहा गया है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू रेडियस. तो सबसे पहले वही लिखेंगे. गिवन दैट, क्या गिवन है? कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस. रेडियस के इक्वल है बेटा, इसका मतलब क्या है? ये आपकी रेडियस है ओ ए, ये भी रेडियस है ओ बी और ये है कॉर्ड ए बी. इट मीन्स ये तीनों क्या है? इक्वल है. इसका मतलब हो गया कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी. सो जो ट्राइंगल आपकी बन गई है ए ओ बी, हम कहेंगे कि ये जो ट्राइंगल है ये कैसी है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है. सो ए ओ बी इज इक्विलेटरल. इक्विलेटरल है तो एंगल ए ओ बी 60 डिग्री बेटा. 60 डिग्री है तो फिर क्या किया, जो एंगल निकालेंगे हम ए पी बी. एंगल ए पी बी का जब आप ट्वाइस करेंगे ना तब आपके पास रेडियस वाला या सेंटर वाला एंगल आएगा. ये आपका 60 है तो एंगल ए पी बी ये क्या हो जाएगा? ये 30 डिग्री हो गया है. सिंपल सी बात है, कितने डिग्री का बना? 30 डिग्री का. तो एंगल ए पी बी इज 30 डिग्री. ऑल्सो हम कह रहे हैं कि ए पी बी क्यू ये क्या है? ये साइक्लिक है. ये जो हमारी क्वाड्रिलेटरल है इट इज साइक्लिक. दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. सो एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए क्यू पी 180 डिग्री होना चाहिए. तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एंगल ए क्यू बी लिख लेते हैं. 180 माइनस ए पी बी दैट इज 30, यानी कि क्या आ गया है ये हमारे पास 150 डिग्री. यानी एंगल ए पी सॉरी ए क्यू बी इट इज 150 डिग्री. तो ये दो एंगल्स आपने फाइंड आउट करने थे. कैसे एंगल्स थे ये? ये माइनर आर्क का एंगल है बेटा और ये मेजर आर्क का एंगल है. यानी माइनर आर्क ये छोटे वाली आर्क थी, इसने एंगल ऊपर बनाया. ये मेजर आर्क अगर आप ऊपर वाली कंसीडर करें तो ये आपकी मेजर आर्क हो जाएगी. तो रिजल्ट्स को बहुत ध्यान में रखना है और रिजल्ट्स की हेल्प से ही आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे.